तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है सावन का फर्स्ट सोमवार और हम लोग जाने वाले थे सारसरो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और हेमंत का कार है और रितेश का तबीयत ख़राब हो गया तो उसको बॉटल चढ़ा हुआ है, तो इसी के चक्कर में लेट हो गया। और देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। उसको बोतल तो चढ़ रहा है और सनी, कौशल, रितेश, हेमंत और मैं, इतने लोग जाने वाले हैं। ठीक रहा तो जाएंगे दर्शन के लिए। तो चलिए आपको हेमंत रितेश को दिखाता हूँ, बॉटल चढ़ा हुआ है। और ये रहा, इसका तबीयत ख़राब है, हम लोग जाने वाले थे सारा सरोवर, इसी की वजह से आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसको बोतल चढ़वाना ज़रूरी है। और नहा धोवा के कौशल रेडी है। और इधर सनी डूड, हाँ डूड डूड, एक तो बोतल खत्म हो चुका है, दूसरा चढ़ा हुआ है। दवा जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी अभी एक तो चढ़ चुका है, अभी आधा आधा नहीं पूरा बोतल बचा हुआ है, आधा घंटा लगेगा चढ़ने। सनी इस पर ट्रीटमेंट कर रही है, इसको बहुत डर लगता है सुई लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से। कैसे ब्रो? कौशल हाथ पर दबाया यार, सनी छाती दबाता है, अरे जल्दी ठीक हो जाएगा। डोड बहुत घूमना है, अभी सारसरो जाना है, देवगढ़ जाना है, कैलाश गुफा जाना है, शिवपुर जाना है, हर जगह भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाना है, केदारनाथ भी जाना है, केदारनाथ भी जाना है। बोल बा, हर महादेव, बोल बा पा, कुछ तो बोलो। कहाँ जाना है पा? केदारनाथ। केदारनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ में बुलावा नहीं आया है, आएगा तब हम पहुंच जाएंगे। कैसे बुलावा नहीं आया है, कौन आएगा वहां से? गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे और अभी हूँ मैं खेत में। और कल हम लोग सारसरो दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए क्योंकि रितेश भाई का तबीयत बहुत खराब था, उनको बोतल चढ़ा दो तो क्योंकि थोड़ा दिक्कत है, तो उसी के चलते रेडी होके नहीं गए। और खेत का काम चल रहा है देख सकते हैं, और पानी गिर नहीं रहा है, ट्यूबवेल से पानी लगाए हैं और खेती चालू हो चुका है हम लोग का। ये देखिए पूरा जोताई कर रहा है किशोर भाई। और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो बोलते हैं कि वाटरफॉल मेन पार्ट का घाघी झरना में हादसा हुआ है, कि 5 लोग या 6 लोग गिर के जो वाटरफॉल में गिर गए हैं। वो बात फेक है क्योंकि वो वाला ना वीडियो 6 साल पुराना है, जहाँ तक मेरे को लगता है झारखंड का या किसी अन्य राज्य का है, मैं जहाँ तक तो न्यूज़ में देखा था। वो बात बिल्कुल पूरी तरह से फेक है, वो वाला घाघी वाटरफॉल नहीं है, ना मेन पार्ट का कोई वाटरफॉल है। मैं बहुत घूमा हूँ और देखा भी हूँ, वो वाला वाटरफॉल नहीं है। तो कृपया फेक बात पे विश्वास ना करें या ना ज़्यादा बढ़ावा दें क्योंकि वो वाला बहुत फेक है। इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है सरगुजा सूरजपुर में कि वाटरफॉल उतना ज़्यादा लेवल बढ़ जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए खेती का काम चालू हो चुका है तो कराते हैं। ये देखिए पानी का लेवल कम है थोड़ा खेत में क्योंकि पानी गिर नहीं रहा है, तो कोई नहीं, पानी ट्यूबवेल का है, आज भर में हो जाएगा, दिन भर में। हल चलवा दे रहा हूँ खेत में और इधर उस खेत में रोपा लग चुका है, पानी आ नहीं रहा है किसी साइड, शायद पानी नहीं गिर रहा है, जो जुगाड़ है वो खेती करा रहा है और ट्यूबवेल है तो सही है। ये देखिए, और किसके किसी यहाँ खेती हो चुका है कमेंट करके बताइए। मौसम तो बना दिया है पानी गिरने के लायक, लेकिन पानी आता नहीं है, बटे से ही मौसम रहता है लेकिन पानी गिरता ही नहीं है। क्या पता क्या हो गया इस साल, खेती करने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। फाइनली गाइस खेत जुता चुका है और इस खेत में आज रात भर फिर पानी चलेगा, उसके बाद रोपा लगाने लायक रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा जोतने के लिए बाकी है, थोड़ा सा जुता जाएगा फिर ट्रैक्टर बंद आज के लिए। फाइनली खेत का जुताई हो चुका है और आज के लिए इतना ही, और पाइप लगा दिए हैं क्योंकि पानी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो रोपा कल से चालू होगा। कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ ढोड़ी, यहाँ से पानी निकल रहा है, भरा हुआ है और पाइप से भी, एक दिन में हो जाएगा। और मौसम देखिए क्या होता है, पानी आता है या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे और अभी खेत में हूँ और काम चल रहा है। देखिए मैं गंदा हूँ थोड़ा, नीचे ट्रैक्टर चल रहा है खेत में और आज बहुत काम है, रोपा लगाना है क्योंकि अभी धान का जो गीला होता है उसको इसमें डालना है, तब जाके रोपा लगेगा। और ये जब डोड ट्रैक्टर चला रहा है, ये देखिए पूरा खेत
रेडी हो चुका है हम लोग का, और पानी का कोई आता पता नहीं, असंभव लग रहा है। कैसे ब्रो आज पानी गिरेगा? हाँ या ना में जाओ दे? नहीं नहीं गिरेगा ना, बहुत मुश्किल है। हम लोग खेत में ट्यूबवेल थे तो चलो काम चल जा रहा है, अब देखते हैं कब तक पानी नहीं आता है। बहुत लोग परेशान है कि पानी कब आएगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है किसी साइड पानी नहीं आ रहा है गाइस, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। किसान लोग कैसे करेंगे? ये देखिए हम लोग खेत रेडी हो चुका और काम करने वाले उधर काम कर रहे हैं। इधर डूड बहुत ज़्यादा जोताई कर रहा है, रगरी चल रहा है, अभी ट्रैक्टर बहुत तेज चल रहा है, और खेत रेडी हो चुका है रोपा लगाने के लिए। इसमें धान लाना है बस, बिंडा